Now study student about distillation. How can we separate a mixture of two miscible liquids? According to this, we take a distillation flask and put into impure liquid, and now separation of mixture of propane's boiling point and ethanol. At first, सबसे पहले हम इसमें डिस्टिल वाटर ले लेते हैं और इसको फिर गर्म करते हैं और एसीटोन ले लेते हैं. एसीटोन और वाटर दोनों को इसमें मिक्सचर कर करके ना भर लेते हैं. उसके पश्चात इसका हम डिस्टिलाइजेशन फ्लास्क में भरने के पश्चात एक थर्मामीटर भी लगा देते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है. टेक ए मिक्सचर इन ए डिस्टिलाइजेशन फ्लास्क, फिट इट विद ए थर्मामीटर, अरेंज द अपार्टस एज सेवन फिंगर एंड नाउ हीट द मिक्सचर स्लोली कीपिंग ए क्लोज वॉच एट द थर्मामीटर. द एसीटोन वेपराइज कंडेंसेड इन द कंडेंसनर एंड कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसनर आउटलेट. वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलाइजेशन फ्लास्क. दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलाइजेशन. एंड नाउ वी स्टडी अबाउट फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन. व्हेन ए बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ टू और मोर लिक्विड्स इन ए मिक्सचर डू नॉट डिफर मच. जब दो या दो से अधिक लिक्विड पदार्थों का टेम्परेचर का अंतर ज़्यादा नहीं होता, द सिंपल डिस्टिलाइजेशन डज नॉट गिव कंप्लीट सेपरेशन. टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर डिस्टिलाइजेशन लिक्विड फॉर विच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स लेस देन 25 केल्विन, फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस इज यूज्ड. इन दिस मेथड द वेपर फ्रॉम द बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर मूव अप थ्रू आउट ए ग्लास कॉमन पैक्ड विद ग्लास बीड. द वेपर ऑफ हाई बॉइलिंग लिक्विड गेट कंडेंस्ड इन द कॉलम एंड रिटर्न बैक टू द डिस्टिलाइजेशन फ्लास्क. जैसा कि इनकी डायग्राम दिखाया कि हम सबसे पहले इम्प्योर लिक्विड ऑर्गेनिक मिक्सचर लेते हैं, इसके अंदर इनकी हम क्या करते हैं फ्रैक्शनल कॉलम लगा देते हैं, और फ्रैक्शनल कॉलम जो है इसको लगाने के पश्चात इसको लो बॉइलिंग लिक्विड तक इसको गर्म करते हैं. हाई बॉइलिंग लिक्विड जो है उस तक इनकी इसको टेम्परेचर दिया जाता है, थर्मामीटर लगा हुआ होता है. इसमें से इनकी जैसे इनकी ये वाष्प में परिवर्तित होगा, यहाँ पर इसको इनकी ये द्रव में आ जाता है वाष्प संघनित होकर के ना, और फिर इसको पुनः फिर संघनित्र में से गुजारा जाता है, जिससे इनकी ये द्रव के रूप में किसी अन्य पात्र के अंदर प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसको किसी भी फ्लास्क के अंदर कलेक्ट कर लिया जाता है, कंडेंसनर से इनकी गुजरते हुए आता है. तब हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेज फ्रॉम एयर. एट फर्स्ट एयर कंप्रेस्ड एंड कोल्ड बाई इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिस्क्रेजिंग टेम्परेचर टू साइटली बिलो 0°C. देन एयर चेंज इन वाटर सेपरेट्स एंड आइस बिलो 0°C. एंड नाउ इट कंप्रेस्ड एंड कोल्ड अप टू 78.50°C. देन कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट एज सॉलिड ड्राई आइस एट -78.50°C. And now compressed and cooled to -200°C, then liquid air. It changes in liquid air.
and now allow to warm up slowly in the fractional distillation column, then gas get separate at different heights. This and key and boiling points degree Celsius and percentage air by volume, oxygen, argon, nitrogen are different. How can we obtain pure copper sulfate from the impure sample? For this, crystallization is a process of formation of solid crystal from a solution. The method of crystallization for separation solid. For this, at first, we take a china disc and या एक बिकर लेते हैं, उसमें कॉपर सल्फेट को पानी में घोल लेते हैं, सॉल्यूशन बनने पर उसकी जितनी भी अशुद्धियां हैं उसको फिल्टर कर लेते हैं, और फिल्टर करने के पश्चात आफ्टर देन फिल्टर वी हीट इट बॉइलिंग. जब इसको बॉइल किया जाता है, हीट किया जाता है, तो वाटर जो है वो तो वेपर में चेंज हो जाता है, और जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल जो हैं वो क्रिस्टल के रूप के अंदर पैंदे पे जमा हो जाते हैं. इसी प्रकार जल में से नमक को पृथक किया जाता है. ये इनकी सेम मेथड हैं.